नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश गौड़ फिर से लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये सावन का महीना चल रहा है और सभी शिव भक्त अलग अलग शिव मंदिरों में दर्शन के लिए जाते रहते हैं। और ऐसे ही हम लोग आज अपने ही गांव के पास एक शिवालय में दर्शन के लिए जा रहे हैं, सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दें। जैसे कि आज सावन का पहला सोमवार है और हम आ रखे हैं आज अपने गांव के पास एक मंदिर में, यह एक शिवालय है और इसका नाम है देवलदेव महादेव। और आप लोगों को बता दें कि यह कांडई ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, नदी के किनारे पे है। तो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और सभी सिद्धपीठों में से एक है और समस्त क्षेत्रवासियों का काफ़ी आस्था का केंद्र भी है यहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। हालांकि आज बारिश का मौसम बना हुआ था तो लोगों की भीड़ काफ़ी कम है, कुछ लोग सुबह दर्शन करके जा चुके हैं तो हम थोड़ा लेट आए हैं यहाँ पे मंदिर में। आइए दोस्तों मंदिर के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों यह है शिव मंदिर और देवलदेव महादेव का मंदिर। मंदिर काफ़ी पुराना है और काफ़ी खूबसूरत भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पीछे पीपल का पेड़ भी है और चारों तरफ काफ़ी खुली जगह है, बड़े बड़े खेत हैं। ये सामने हवन कुंड। आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना सख्त मना है, हालांकि यहाँ कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मंदिर में ही आके अगर नियम तोड़े तो सही नहीं है। तो जैसा कि मंदिर के प्रांगण में काफ़ी गायें दिख रही हैं, यहाँ पे आती रहती हैं ज़्यादातर, और ये मंदिर का धर्मशाला है। यहाँ पर पहले एक बाबा जी रहते थे, लेकिन आजकल वो अस्वस्थ चल रहे हैं तो वो आजकल अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और सामने जो ये चौड़ा सा प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर कीर्तन मंडली आके कीर्तन करती है हमेशा, और यहाँ पर भंडारे वगैरह सब चलते ही रहते हैं। आपको बता दें कि मंदिर के ठीक सामने ये जो पूर्वी नयार है ये काफ़ी खूबसूरत है, लोग जब भी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। और जैसे कि आजकल बरसात का टाइम है तो नदी अपने रौद्र रूप में आ रखी है आजकल, और नदी के ऊपर एक झूला पुल बना हुआ है, यह काफ़ी मजबूत पुल है और इसी के ऊपर से लोग नदी को पार करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं, और वैसे भी आज कोहरा लगा हुआ है और नदी का पानी भी काफ़ी तेज है, बहाव काफ़ी है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको मंदिर के दर्शन कराए हैं और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, आपने देखा ही, और आपको यही कहना चाहूँगा कि आपका जब भी मन करे घूमने का तो आप यहाँ ज़रूर आएँ देवलदेव महादेव के मंदिर में, और यहाँ महाकाल के दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अब नई वीडियो में, और इस वीडियो में मिलेंगे हम एक नए शिवालय में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब।